हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ का अनिश्चितकालीन उपवास कार्यक्रम अंबेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में 6 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। 6 अक्टूबर को संघ के महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में उपवास रखा गया। उपवास के माध्यम से संगठन ने हाथरस की गुड़िया को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल सेवक ने कहा कि प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुप्रयास कर रहे हैं, किंतु हम बिना किसी अराजकता के अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। जब तक हाथरस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले हाथरस के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक उपवास के माध्यम से विरोध जारी रहेगा। इसी क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव मोहित चौधरी, प्रदेश महासचिव सिद्धार्थ चौधरी व उनके मुरादाबाद मंडल के अनेक कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को समर्थन दिया व स्वर्गीय गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए उपवास पर भी रहे। उपवास के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद जयंत चौधरी पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लाठी चार्ज व अभद्रता किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। उपवास करने वालों में मुख्य रूप से राहुल सेवक, रोहित वाल्मीकि, महेंद्र सिंह, सिद्धार्थ चौधरी, मुमताज आलम, अंकित अग्रवाल, रामावतार राणा, संजीव वाल्मीकि, अनिल जॉनी, नाग भारती, आदित्य चौधरी, मुकेश गुप्ता, मोहम्मद शाहरुख खान, अंशुल गुप्ता, गुरुबचन सिंह, राहुल गुप्ता, दीपक सिंह, रोशू पेंसल, देवेश ठाकुर, शमीम कुरैशी, साजिद कुरैशी, दानिश कुरैशी, श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार दद्दा, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव चौधरी असलम खां, निवर्तमान महानगर सचिव तनवीर खां, युवा सपा नेता शारिक पाशा, पूर्व मेयर प्रत्याशी मौलाना मोहम्मद उमर फारूक आदि शामिल रहे। उपवास कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता एवं अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के महानगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने इस अवसर पर बताया, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो वहाँ के 4 गुनहगार थे, हम लेकिन हम 6 बता रहे हैं, जो DM SSP भी हैं मौजूद। कहाँ के? हाथरस के जी, जिन्हें अभी तक सस्पेंड किया गया है। सिर्फ हमारी मांग ये है कि धारा 120 भी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब तक हमारा तो पास जारी रहेगा, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि यह लगातार तीसरा दिन है और युवास का कार्यक्रम जारी है और रोज़ाना नेतृत्व बदलता रहता है। हमारे साथ सभी, पूरा समाज हमारे साथ है। आप देख रहे होंगे 3 दिन से लगातार सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके इस उपवास को हमारे साथ में कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश महासचिव सिद्धार्थ चौधरी ने इस अवसर पर कहा, देखिए अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ हाथरस की बहन को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए। यदि सर्व समाज आगे नहीं आएगा तो आने वाले समय में ये घटनाएं ज़रूर बढ़ेंगी। और आज प्रदेश की स्थिति ऐसी है, केवल हाथरस ही नहीं, अभी आप देखें बलरामपुर में भी घटना हुई है, कोई जिला ऐसा नहीं रह गया है जहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हों। तो सरकार की आँख खोलने के लिए और इसका सरकार का घमंड तोड़ने के लिए सर्व समाज को आगे आना पड़ेगा और आगे आकर इस तरीके के आंदोलन को समर्थन देना पड़ेगा। और आज उसी को देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा हम लोगों ने अपना समर्थन पत्र आप लोगों को दिया है और हम हर तरीके से इस आंदोलन में तन मन धन से आपके साथ हैं। और आगे भी चाहे पुलिस या प्रशासन द्वारा अगर इस आंदोलन को रोकने की हिमायत की जाती है तो हम हर तरीके से दल से भी बल से भी आपके आंदोलन का साथ देंगे और दिल से भी साथ देंगे। और हाथरस की बहन को और उसके हत्यारों को जो है हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि सजा दी जाए, जल्द से जल्द फांसी दी जाए, बहन को न्याय मिले और हथियारों को सजा मिले, फांसी मिले जी। और जो अधिकारी वहाँ इसमें लिप्त हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जिला अधिकारी साहब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है,
उन पे भी दोषी उनको करार करके उन पे कार्रवाई करी जाए और बराबर की कार्रवाई हो और जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी हो। ये हमारी